फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद नसीब नगर फूलबाग के रहने वाले 22 साला रियाज, जो हमेशा की तरह काम से अपने घर वापस जा रहे थे कि वजाहत और हैदर नामी शख्स से इनकी बहस और तकरार हो गई। के बाद रियाज ने अपने भाई इम्तियाज को कॉल करके बुलाया और ये दोनों भाई वहाँ से जा रहे थे कि वजाहत, हैदर और इनके साथियों ने मिलकर इन पर हमला कर दिया और इन्हें मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में इन्हें मामूली सी चोटें आई। इसकी शिकायत चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन को की गई। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये किससे लगा? ये अभी भी बहुत दर्द है इसमें। किसे लगा? चाकू से लगा? चाकू से मारे से यार, पूरा शर्ट फट गया। ये जस्ट मिस बोलते ना किस्मत। चाकू किसके हाथ में थी? ये वजाहत बोल के अच्छा है। हाँ, आपको क्या हुआ? देखो लोग निकल पंच वगैरह, निकल पंच रहता है हाथ हाथ पे मारते क्या मारते और पैटा फेस पूरे 10 जाने थे ना, मारे गिरा के मारे नीचे रूप पे। मोहम्मद इम्तियाज़ है और मेरा छोटा भाई का नाम मोहम्मद रियाज है और हम ना यहाँ पर नसीब नगर फूलबाग है नहीं, वहाँ पर रहते हैं। क्या हुआ आप लोग? मेरा छोटा भाई दुकान बंद करके आ रहा, हम लोग चार मीनार पर दुकान है, छोटा भाई दुकान बंद करके आ रहा था दोस्त के साथ, फूलबाग से आ रहा था ना, वो नीचे से टायर पंचर एकदम फ्लैट हो गया सर का दिखा, तो दोनों मिल के रुक के देख रहे थे क्या हुआ, टायर को बोल के देख रहे थे। तो वहाँ पर हैदर बोल के एक रॉडी शूटर है कहते उन्होंने, तो उन्होंने क्या करे, क्या हुआ रे कई को रुके, अरे तुरे बोल के अम्मा बहन के गालियाँ देना शुरू करे, अरे भाई क्या हुआ कई को ऐसा दे रहे हैं गालियाँ बोल के इन्हों बोल रहे हैं। तो वजाहत बोल के एक बच्चा है उनके साथ, रब बोल के मार दिया इनको। तो अब वहाँ से 4-5 जने आ रहे हैं, पीछे से मारा था गर्दन पे मारते। झगड़ा है आप लोगों का? नहीं भैया नहीं है, पूरी गली में बस्ती में मालूम कर ले सकते आप, फूलबाग में एक जानते तक नहीं हमला आ लोगों को। लोग पीले के थे हालांकि इसलिए बहस कर रहे थे, दादागिरी बता रहे थे। अब उसके बाद वजाहत बोल के बच्चा जो है भड़ बोल के मार दिया। अब इनको दर्द हुआ, वो 4-5 जने आके और मारना शुरू कर रहे थे, इन्होंने फौरी उठा के मेरे को फ़ोन मारे, मैं घर पे बैठा था। क्या हुआ रियाज बोले था, ऐसा भैया मेरे को मार रही हूँ, जरा पीछे गली में हूँ, जल्दी आओ बोल के बोले, जल्दी भाग लेते जाके देखा तो 10-15 जने इनको घेर लेके ठहरे। मैं क्या करा, इनको पकड़ के ले गया घर के अंदर ठहर गया, घर के अंदर ठहरा हूँ तो और 10 जने आए, आके ऐसा चाकू वगैरह लेके ठहरे हुए। तो आपके घर के नहीं आए वापस? घर के नहीं आए, गलियों में इधर उधर देख के हमने भाग क्या क्या करेंगे भैया, दो जने अब 10 जने मिल के मार रहे हैं। अब मारने का झगड़े की वजह क्या है? खाली रुक के अम्मा बहन की गालियाँ कई को दे रहे हैं बोले तो तब वो मार दिया रुके हुए, वो भी टायर पंच कुछ नामा तक नहीं मालूम था भाई, जो मारे हम लोगों को नामा तक नहीं मालूम था। वो लोगों के क्या है नामा, क्या है मारने वालों के? हैदर एक है मेन, जो हमारे को जो असल लड़ाई शुरू करा और आखिरी तक मारते रहा वजाहत बोल के, और धमकियाँ भी ये दे रहेंगे ना, कहीं भी दिखो तुमला ख़त्म समझो तुम लोगों का काम, किधर भी देखो नहीं फिराया तो छुरी बोल के देखो बोल रहे हैं, यहाँ वहाँ पेट पे भी चाकू मारे, बाई चांस किस्मत बोल के बोलते नहीं वैसा बचा मैं तो। और इनको भी जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मेरे छोटे भाई का जी, हाँ कंप्लेंट दिया चंद्रानगुट्टा PS में दिया। वो लोग अभी का अभी एक बच्चे को जो मेन जो वजाहत बोल के बोल रहा नहीं, अभी का अभी पकड़ लिया वो लोग PS में है। क्या चाह रहे हैं पुलिस से? क्या चाह रहे इन लोगों को ऐसा? अब क्या चाह रहे हैं पुलिस से? क्या चाह रहे इन लोगों को ऐसा? अब
जितना स्ट्रिक्ट ले सकते हो ना एक्शन ले लेना फौरी इन लोगों के खिलाफ। कई को बोलो तो कल के दिन हम लोग कुछ भी हो सकता इतना मालूम होगा मेरे को। कई को बोलो तो उन्हें खुला स्टार्टिंग में भी वही बोल रहा हूँ, आखिरी में भी वही बोल रहा हूँ, मेरे को जहाँ दिखा वहाँ मारता हूँ तेरे को छुरी लेके बोल रहा हूँ, छुरी नहीं तो झंबिया लेकर मारता हूँ आखिरी तक वही बोला उन्हें। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 26 ईयर्स है भैया। मैरिड है? अभी जस्ट मैरिड हुआ मैं। बच्चे वगैरह कुछ है आपको? नहीं जस्ट अभी मैरिड हुआ 3 मंथ्स। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।